हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग तो सबसे पहले सब को हैप्पी नवरात्रे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली और आप सबको ये फेस्टिवल सीजन में हमें बहुत मन करता है कि घर में हम कुछ स्पेसिफिक डिशेस बनाएं तो मैंने भी कुछ ऐसी रेसिपीज लाई हूँ सबसे पहले मूंग दाल का हलवा उसके लिए मैंने एक कप मूंग लिया है उसे धोया और उसे क्लीन करने के बाद दो घंटे के लिए भिगो दिया दो घंटे बाद मैंने उसका मिक्सी में पेस्ट बना के साइड पर रख दिया फिर मैंने एक कढ़ाई लिया उसमें मैंने दो चम्मच घी डाला है और अपने पसंद के जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसमें उसमें ऐड कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या यूज़ किया है फिर उसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से रोस्ट किए और उसको अलग से मैंने प्लेट में डाल दिया फिर मैंने एक से पैन लिया उसमें घी डाला उसमें मैंने दो कप बेसन डाला है और इसको अच्छी तरह मिक्स किया ताकि थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस आ जाए फिर मैंने इसमें सूजी डाला है दो कप अच्छे तरीके से इसको गोल्डन होने दिया है आप कैसे बताते हैं ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने नहीं डाला है फिर मैंने वो जो मूंग दाल का पेस्ट था उसके अंदर डाल दिया और एक तरफ मैंने चाशनी भी बनाई है इलायची पाउडर चीनी पा, पानी में डाल के जब ये हमारी चाशी में मैंने केसर भी डाला है थोड़ा कलर आने के लिए जो हमारी चाशनी बन जाएगी जैसा आप देख रहे हैं फिर मैंने एक, एक सिर, कलर भी डाला है ताकि मूंग दाल का कलर थोड़ा सा हमारा ऑरेंजिश आए तो जब प्रॉपरली हमारा चाशनी बन जाए तो हम इसको मूंग दाल का जो हमारा हलवा बन रहा है उसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे पकने देंगे फिर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने शुरू में रोस्ट किए थे वो मैंने उसमें डाल दिए हैं अच्छी तरह मिक्स किया है और होप uh, आपको अच्छा लगे और uh, प्लीज़ ज़रूर बताएगा आप कैसे बनाते हैं और जो मैंने मिस किया आप प्लीज़ बताएगा हेलो एवरीवन तो अभी नेक्स्ट हमारी रेसिपी है साबूदाने की खीर तो उसके लिए मैंने हाफ uh, कप साबूदाना लिया है और उसको मैंने भिगो के रखा हुआ था एक घंटे के लिए वॉश करके और उसके बाद मैंने अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं घी में जैसे आप भी अपने मनपसंद जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं और साबु दाना कैसे एक ऐसी जो चावल की खीर के बाद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपको भी अच्छी लगती हो तो मुझे बताइएगा फिर मैंने पैन में घी डाला है और उसमें मैंने भिगोए साबुन इसमें डाल दिया है थोड़ा सा इसको मैंने पकने दिया है फिर उसमें मैंने हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क इसके लिए यूज़ किया है क्योंकि उसमें फिर बहुत अच्छी इसका टेस्ट आता है मैंने वो डाला है इसको थोड़ा पकने देंगे हम और इसको मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा इसका जो घी है वो थोड़ा सा छोड़ दे और थोड़ी इसमें सॉफ्टनेस आए उसके बाद मैंने पाँच चम्मच चीनी ली है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीनी यूज़ कर सकते हैं आप गुड़ भी डाल सकते हैं अगर आपको चीनी अच्छी नहीं लगती है तो फिर मैंने इलायची पाउडर डाला है इसमें दो चम्मच अच्छी तरह मिक्स किया है इसको प्रॉपरली और थोड़ा सा हम इसको हम इसको स्लो गैस पे पकाएंगे स्लो गैस पे जो है अच्छी बनती है और खिली खिली बनती है फिर जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं आप भी अपने घर में बनाइए और मुझे बताइए कि आप कैसे बनाते हैं और अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा मैं भी ट्राई करूँगी थैंक यू सो मच बाय हेलो एवरी तो अभी हम लाए हैं मखाना खीर ये मैंने पहली बार बनाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करूं तो इसके लिए मैंने लिए हैं हाफ़ कप मखाना मार्केट में मखाने बहुत वैरायटी के आते हैं जो मुझे इजीली अवेलेबल हुआ मैंने वो लिया है तो सबसे पहले मैंने मखाना जो है उसको रोस्ट किया है थोड़ा सा इसको क्रिस्पी होने देंगे एक बार थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तो मैंने इनको मिक्सी में डाल दिया और इसका मैंने पाउडर बना लिया है अच्छा खासा ताकि जब हम इसको दूध में मिक्स करें तो ये ज़्यादा हार्ड ना हो उसके अलग मैंने काजू लिए थे हाफ कप उनका भी मैंने पाउडर मिक्सी में बना दिया है फिर मैंने एक पैन में मैंने मिल्क डाला है फुल क्रीम वन लीटर और उसमें मैंने हमारा मखाने का पाउडर डाला है और मैंने उसमें मखाने अलग से डाले हैं उसमें चीनी डाली है और आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मैंने पाँच चम्मच चीनी डाली है मैंने इसमें काजू का पाउडर भी डाला है तो अच्छी तरह से हम इसको स्लो गैस पे बनाएंगे इसको हम मिक्स होने देंगे आप चाहें तो इसमें आ, सैफ्रन केसर भी डाल सकते हैं आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं मतलब सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बनाते हैं तो आप रेसिपी बना सकते हैं उसके बाद मैंने एक छोटी सी पैन में अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं और हम इनको थोड़ा तो सा गोल्डन होने देंगे और फिर हम उसको हमारे खीर में ऊपर गार्निश कर देंगे तो मुझे बताइएगा आप कैसे बनाते हैं हो आपको अच्छा लगा हो थैंक यू सो हेलो एवरी वन ये मेरा फेवरेट है सूजी का हलवा आई होप आप सबको भी ये अच्छा लगता होगा तो उसके लिए सबसे पहले मैंने घी लिया है घी कुरुणा गर्म होने पे मैंने इसमें हाफ कप सूजी डाली है और हाफ को मैंने इसमें आटा भी डाला है इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक्स हर रेसिपी का डाला है आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रेसिपी पहुँच जाएंगे फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला है एक गिलास और फिर उसको थोड़ा सा मिक्स होने दिया है थोड़ा थोड़ा स्लो गैस पर करेंगे इसमें चीनी डालेंगे इलायची पाउडर डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उठा सकते हैं थोड़ा मिक्स होने देंगे स्लो गैस पे फिर आप उसमें मैंने इसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट करके के नहीं डाले मुझे बिना रोस्ट के ज्यादा अच्छे लगते हैं तो आप मुझे बताइएगा वो कैसा लगता है थैंक यू सो मच एंड सबको हैप्पी नवरात्रि एंड लव यू ऑल बाय टेक केयर